मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अजंता की गुफाओं की स्थिति, खोज एवं मुख्य गुफाओं के बारे में बताया था। हमने गुफा संख्या 9, 10, 16 के बारे में जाना था। आज हम गुफा संख्या 17 एवं 1 और 2 के चित्रों के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त अजंता के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आज विश्व स्तर पर जो इसकी ख्याति है वो इसके चित्रों की वजह से ही है, तो उनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण वे प्रसिद्ध हैं। गुफा संख्या 17। इस गुफा का निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के मंडल अध्यक्ष ने करवाया था। यहाँ पर अजंता के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह सभी चित्र अपने अंकन की उच्चता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ पर अनेक जातक कथाएं, जिनमें मत्स्य जातक, महाकवि का त्याग, विलासी का वैराग्य, हंस जातक, वेशांतर का दान आदि अनेक चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस गुफा का एक बहुत सुंदर चित्र यशोधरा की भिक्षा भी अत्यंत उच्च कोटि का है। इस चित्र में भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगने वाला यह चित्र, इसकी विषय वस्तु आप देखिए कितनी गंभीर है। भगवान के मुख पर यहाँ पर व्याप्त आध्यात्मिकता है और वे यशोधरा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं। यशोधरा के नेत्र में श्रद्धा युक्त आत्म त्याग दिखाई पड़ता है और राहुल इन सब से अनजान अबोधता का भाव लिए हुए है। अब यशोधरा क्या दे, तो वह अपने पुत्र को ही भिक्षा में दे देती है, क्योंकि उससे ज़्यादा कीमती वस्तु उसके पास और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सुंदर और भावनाओं से परिपूर्ण यह चित्र गुफा संख्या 17 में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अनेक चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें मरती राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी, वृद्ध आदि चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अलंकरण भी हमें अजंता की गुफाओं में पशु पक्षियों से युक्त और कमल के फूलों से युक्त अलंकरण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुफा संख्या 1। यह गुफा 475 से 500 ईस्वी के मध्य की बनी हुई है। इस गुफा में चित्रण कार्य 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व का है। इसके अतिरिक्त मार विजय, शिवी जातक, महाजनक जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, बैलों की लड़ाई एवं प्रेमी युगल के चित्र यहाँ पर सुप्रसिद्ध हैं। इस गुफा की छत पर भी कमल व पशु के अलंकरण देखने योग्य हैं। पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र बड़ा ही मन स्पर्शी एवं कलात्मक है। इस चित्र में केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। केंद्रीयता के नियम के पालन का अर्थ है कि चित्र में मुख्य आकृति बिल्कुल मध्य में और उसके चारों तरफ छोटी छोटी इतर आकृतियों को बनाया हुआ है। यहाँ बोधिसत्व की विशाल आकृति बिल्कुल मध्य में है और चारों ओर अनेक आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में तपस्या कर रहे हैं और चारों तरफ आकृतियाँ उनको डिगाने का प्रयास कर रही है। वे सब भगवान बुद्ध की तपस्या को भग्न करने का प्रयास कर रही हैं। राय कृष्णदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस चित्र की व्याख्या की है। राय कृष्णदास जी के अनुसार उनकी भावमग्न आँखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हुई है, मानो सारे संसार की व्यथा को देखकर उसे दूर करने के लिए उत्सुक हो। उनका आकार इतर आकृतियों से अत्यंत बड़ा है। यही कारण है कि उनकी विशिष्टता का हमें बोध होता है। सर्वोपरि है उनका किंचित भंग। किंचित भंग यानी वो जो टेढ़ापन लिए हुए कमर से किंचित जो मोड़ है वो दर्शनीय है। उसकी जो अटूट रेखाएं हैं वे भी दर्शनीय हैं। इस गुफा का अन्य चित्र मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध का है।
भगवान बुद्ध ब्रज आसन में ध्यानस्थ बैठे हैं। वे संसारिक दुखों को दूर करने हेतु ध्यान मग्न हैं। बुद्ध के मुख पर अभय शांति का भाव है। यहाँ पर भी केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। चारों तरफ अनेक सुंदरियों को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलती है। गुफा संख्या 2। यहाँ पर मैं मुख्य चित्रों को ही बता रही हूँ। यह गुफा भी 500 से 500 ईस्वी के मध्य की बनी हुई है। यह एक बिहार गुफा है तथा इसके चित्र 7वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर हंस जातक, विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, दया याचना व बुद्ध के जन्म के चित्र मुख्य हैं। हंस जातक में भगवान बुद्ध को हंस के रूप में दिखाया है। वह उस जन्म में हंस रूपी बोधिसत्व बने हैं तथा राजा को धर्मोपदेश दे रहे हैं। राजा, रानी सब उनका उपदेश सुन रहे हैं। इस चित्र के में अंतराल विभक्ति बहुत ही उच्च कोटि की है। इसी गुफा का एक अन्य चित्र दया याचना भी अत्यंत सर्वोत्तम चित्र है। इसके अतिरिक्त शांतिवादी जातक, जिसमें भगवान क्षमा का उपदेश दे रहे हैं, यह भी इस गुफा का एक उत्कृष्ट चित्र है। दया याचना चित्र में राजा आमोद प्रमोद के लिए वन में गए हैं। उनके साथ उनकी रानियां और दासियां भी गई हैं। राजा शिकार पर चले जाते हैं, पीछे से रानियां और दासियां समीप ही बोधिसत्व का उपदेश सुनने चली जाती हैं। वे सब उपदेश सुनने में लीन हो जाती है। तभी राजा शिकार से वापस आ जाते हैं और वे किसी को भी अपमान ना देकर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी सारी रानियां और दासियां झुकी हुई क्षमा मांग रही हैं। अजंता के चित्र आज भी हमारे लिए गौरव का विषय है। उन्होंने अजंता में जो चित्र संसार रचा है वह अद्भुत है। एक अन्य चित्र में एक वृद्ध भिक्षु डंडे के सहारे खड़ा है। उसकी आँखों में अवसाद दिखाई दे रहा है। उसका खुला दाहिना हाथ रिक्तता को अभिव्यक्त कर रहा है, मानो वह सर्वनाश की सूचना दे रहा हो। उसका खुला दाहिना हाथ रिक्तता को अभिव्यक्त कर रहा है। इस प्रकार इन गुफाओं में एक से एक नैना विराम चित्र हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं प्रमुख गुफाओं का ही वर्णन किया है जहाँ पर चित्र अब उपलब्ध है। अजंता के चित्रों की विशेषताएं। अजंता के गुफाओं में एक से एक अद्भुत चित्र बने हैं। यहाँ जीवन का प्रत्येक रंग हमें दिखाई देता है। नगर का विलास में जीवन हो या ग्रामीण जीवन हो, या फिर राज परिवार का दृश्य हो या मानो भिक्षा मांगने का दृश्य हो, मानो चित्रकार ने सबका गहन अध्ययन करके ही चित्र का निर्माण किया हो। विषय की दृष्टि से अजंता में के चित्रों में बहुत विविधता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें यहाँ तीन भागों में बांटते हैं। एक अलंकारिक, दूसरा रूपवैदिक, तीसरा वर्णात्मक। पहली श्रेणी में पशु पक्षियों से युक्त बेल, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष आदि का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रकृति की असीम संपदा से चुन चुन कर चित्रण किया गया है। पशुओं में बैल, लंगूर, हाथी की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। गुफा संख्या 2 में लड़ते हुए बैलों का चित्र लघु चित्र शैली की अनुपम कृति है। पक्षियों में यहाँ पर मोर, तोता, हंस, कोयल की प्रधानता रही है। फलों में आम, अंगूर, अंजीर, शरीफा, नारियल एवं फूलों में कमल का सर्वोत्तम उपयोग दिखाई पड़ता है। द्वितीय श्रेणी के चित्रों में जो रूप वैदिक है, उसमें हमें लोकपाल, बोधिसत्व, रानी की आकृतियाँ,
एवं राजा की आकृतियाँ आदि को रखा जा सकता है। इस श्रेणी में अभय वर्ग और वितरक की मुद्राओं में भगवान बुद्ध को दिखाया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध का जन्म, संन्यास, निर्माण एवं बुद्ध के जीवन की समस्त अलौकिक घटनाओं को इस श्रेणी में दर्शाया गया है। इस कोटि के चित्र बड़े ही उत्कृष्ट हैं। गुफा संख्या एक में पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र इसका अनुपम उदाहरण है। अन्य चित्रों में मरणासन राजकुमारी, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, माता व पुत्र के चित्र आदि मुख्य हैं। तीसरी श्रेणी में जो वर्णात्मक चित्रण हैं, उनमें सभी प्रकार की जातक कथाएं आती हैं, क्योंकि उन्हें विस्तार से एक के बाद एक कथा के रूप में चित्रित किया गया है। अपूर्व सौंदर्य और असाधारण कला कुशलता से व्यक्त करते हुए अजंता के चित्र अपने आप में अलौकिक हैं। सेकंड विशेषता अजंता के चित्रों की भाव प्रवणता है। अजंता के चित्रों का सर्वश्रेष्ठ गुण उसका भाव ही है। चित्रों में दर्शित हार्दिक तथा मानसिक भावनाओं की प्रांजल व्यंजना अजंता के चित्रों की प्रमुख विशेषता रही है। शांति, उल्लास, क्रोध, भक्ति, विनय आदि सभी भावों को अजंता में बहुत ही कुशलता से उकेरा गया है। मरणासन राजकुमारी की अवस्था हो या बुद्ध के चित्र पर शांति करुणा के भाव को कलाकारों ने बड़ी गहराई से उतारा है। रेखा अजंता के चित्रों का तीसरा गुण है। रेखांकन में तो मानो अजंता का कलाकार अत्यधिक निपुण था। भावपूर्ण रेखाएं विलास और श्रृंगार से सर्वथा परे हैं। रेखाओं में गति एवं संतुलन देखने योग्य है। मार विजय, सर्वनाश, दया याचना आदि चित्र कुशल रेखांकन के उदाहरण हैं। रंग योजना अजंता के चित्रों की रंग योजना बहुत सुंदर है। यहाँ पर बड़ी निपुणता के साथ रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों को विधि सम्मत तरीके से तैयार किया गया है। रंगों में गेरू, रामरज, हरा, काजल, नीला, सफ़ेद, चूना आदि का प्रयोग किया गया है। रंग भारीपन से मुक्त हैं। हस्त मुद्रा अजंता के चित्रों में समस्त भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उनमें हस्त मुद्राओं का विशेष स्थान है। ये भंगिमा में नेत्रों को अतिरिक्त हस्त मुद्राओं का ऐसा प्रदर्शन ना इससे पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। स्नेह, मैत्री, श्रृंगार, लज्जा, ममता आदि के भाव अजंता के चित्रकारों ने हस्त मुद्राओं के द्वारा अभिव्यक्त किए हैं। प्रत्येक मुद्रा में शास्त्रीयता है। हस्त मुद्राओं के साथ संवाद एवं मुद्राओं में भी सौंदर्य के प्रतिमान अजंता के चित्र में प्रस्तुत हैं। अजंता की चित्रकला हर पल शाश्वत और चिररतन है। नारी का आदर्श रूप भी अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। यहाँ नारी को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी आध्यात्मिकता की परिचय है और विनय की प्रतिकृति है। यहाँ उसको बहुत ही सुंदर भाव में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार अजंता के चित्र हर पक्ष शाश्वत और अमूल्य है। अनेकों वर्ष बीत जाने पर भी ये चित्र उतने ही महत्व के हैं। आज भी अजंता चित्रकला का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। सुंदर आलेखन, सुंदर विषय वस्तु आदि सभी के कारण यह भारतीय चित्रकला की अमूल्य निधि है। धन्यवाद।